24 में अप्रैल मार्च अप्रैल और मई में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। अपने अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराइए, जो गार्जियन है रजिस्ट्रेशन कराइए, आसानी से एडमिशन होगा और एकदम निश्चिंत हो जाइए। बच्चा वहां जाएगा, हॉस्टल में रहेगा, उसको सारी चीजें मिलेंगी और कक्षा 12 तक वो पढ़ेगा और पढ़ करके सरकार ही योजना बना रही है, जैसा कि हम लोग 17 में एक लड़ाई लड़े थे कि हर जनपद में आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर खोले जाएं। जैसे बीएसपी की सरकार में बनारस के लालपुर में 500 बच्चों को पढ़ने के लिए वहां निःशुल्क आईएएस और पीसीएस कोचिंग सेंटर खोला गया है, वही सेंटर 2017 में हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे और लड़ाई की ही देन रही कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में से 10 जनपदों में उसको खोल दिया गया है। हम लोगों की मंशा यह है कि जब 75 जनपद में खुल जाएगा तो जो बच्चा इंटर क्वालिफाई करेगा अटल आवासीय विद्यालय से, फिर उसका दाखिला उसी स्कूल में हो जाएगा, वहां से जाकर के वो कोचिंग लेगा आईएएस और पीसीएस की और वहीं से कंपटीशन की तैयारी करेगा और कंपटीशन में बैठ करके उसको क्वालिफाई करेगा और क्वालिफाई करके वो भी एक गरीब का बच्चा भी आईएएस पीसीएस बन सकता है। ऐसी व्यवस्था हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस पे हम लोग लगे हुए हैं। इसलिए हमारा आग्रह होगा, जो हमारे युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मार्च अप्रैल मई में अटल आवासीय विद्यालय का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, अपने बच्चों का कराइए और करा के निश्चिंत हो जाइए। अब वहां से अच्छी पढ़ाई कहीं पर नहीं हो पाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो बिजली बिल की समस्या है, संभवतः समस्या हर घर की है, वो चाहे कोई व्यक्ति हो, ये समस्या हर घर की है, तो इस समस्या का भी समाधान हम लोगों ने लड़ते लड़ते निकालने का प्रयास किया है। आने वाले 8 तारीख को, मीन्स परसों, 7 तारीख है, कल 8 तारीख है, कल से ही एक व्यवस्था लागू हो रही है सरकार के माध्यम से कि जितने लोगों का बिजली बिल बकाया है उस पर छूट आ जाएगी। अब बिजली बिल पर मैक्सिमम छूट, मिनिमम मतलब नॉमिनल अमाउंट जमा करके बस आपको वो लेना है, तो मतलब आप जब जमा करेंगे नॉमिनल अकाउंट लेके एनओसी ले लेना है कि हाँ हमारा बिल था, हमने इतना जमा, मतलब नॉमिनल अमाउंट जमा करके एनओसी ले लेना है कि हमारा कोई बकाया नहीं है। इस पे भी हम लोग जब बाबूजी पिछली बार विधानसभा इसकी आवाज उठाए थे तो उसी का परिणाम रहा कि सरकार ने इस पे पहल किया है, तो इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे अंतिम बात और तीसरी बात जिसको हम लोग गांव गांव में बताने का भी प्रयास कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी अवगत कराते हैं कि आप लोग बताइए, जैसे कि इलाज संबंधी जो पैसा आप डिबेट में भी सुनते होंगे, भाषणों में भी सुनते होंगे, फेसबुक पर भी हम लोग बोलते रहते हैं हमेशा कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम लोग खुल के बताने का प्रयास करते हैं कि इलाज संबंधी जो व्यवस्था है, सरकार ये तय की है कि अगर किसी भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, पीड़ित है, परेशान है, इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उसको किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी से अपनी जमीन बेच करके पैसा लेने की आवश्यकता नहीं है, उसका इलाज आराम से हो जाएगा। सिस्टम में है कि 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद, कोई भी राज्यसभा, कोई भी एमएलसी आसानी से अपने पैड पर दिला सकता है, लेकिन ये बात कोई नहीं बताया, कोई नहीं जानता था, इसकी चर्चा नहीं हो पाती थी। उसी का दुष्परिणाम ये रहा कि बहुत सारे लोग इलाज के अभाव में मर गए, पैसा न मिलने के अभाव में मर गए, पैसा न रहने के अभाव में मर गए। तो इसलिए मैं इस चीज को बता रहा हूं कि जब ऐसी समस्या किसी भी परिवार में आ जाए तो एक बार जरूर हम लोगों को बताइएगा, किसी भी सरकारी अस्पताल से एस्टिमेट बनवा लीजिएगा कि इनके इलाज में कितना खर्च आने वाला है, वो एस्टिमेट ले लीजिएगा और आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, आधार कार्ड बनवा लीजिए, आधार कार्ड दे दीजिएगा, ये तीनों पेपर रसड़ा कार्यालय को उपलब्ध करा दीजिएगा और 10 दिन के अंदर वो सारा पैसा जितना होगा वो सारा पैसा आपके हॉस्पिटल के खाते में भिजवा दिया जाएगा। आपको फोन आ जाएगा कि आकर के अपना इलाज करा लीजिए, आपका पैसा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा आ गया।